नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले अनबॉक्सिंग एक गर्मा गर्म स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग होगी। ऐसा मत समझो कि चैनल छोटा, इस वजह से फीचर फोन की अनबॉक्सिंग करूंगा। हम भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो कौन से स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग होने वाली है आपने टाइटल में या फिर थंबनेल में पढ़ा ही होगा, या फिर आपने सर्च बार में जो टाइप किया जिस वजह से ये वीडियो आपको रिकमेंड हुआ है उसके बेस पर आप अंदाजा लगा सकते हो। और अगर फिर भी समझ भी नहीं आ रहा तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको आगे तो पता चल ही जाएगा कौन सी अनबॉक्सिंग होने वाली है। तो हेलो गाइस, मैं विजय, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल टेक विजय में। पहले तो आपको ये येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है मेरे राइट साइड में, हाँ यही बॉक्स, इसी में आपको मोबाइल देखने को मिलेगा। तो पहले करते इसे अनबॉक्स, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी स्पेक्स बताऊंगा और मैंने इस स्मार्टफोन को क्यों परचेस किया और कितने में परचेस किया और कहां से परचेस किया इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। ये इतना ही मुझे बॉक्स में मिला है और कुछ नहीं है, तो इसे रखते हैं साइड में और फोन को कर देते हैं अनलॉक। ये रियलमी का Realme C25s। तो ओवरऑल अगर आप इस फोन को देखोगे तो फोन काफी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, फोन काफी ज्यादा पसंद आया था इस वजह से मैंने इसे परचेस किया है। तो यहाँ पर आपको रियलमी के ब्रांड ही देखने को मिलती है। ये देखो नीचे के साइड अगर आप देखोगे इसके, तो यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, उसके ठीक आगे आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर शायद से नॉइज़ कैंसिलेशन माइक से, हाँ, और उसके बाजू में 3.5mm का हेडफोन जैक दिया है। लेफ्ट साइड अगर आप इसकी देखोगे तो लेफ्ट साइड पूरी तरीके से क्लीन है, लेकिन यहाँ पर आपको सिम कार्ड ट्रे देखने को मिल जाता है जो कि डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है। राइट साइड अगर आप इसके देखोगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाता है अप एंड डाउन, उसके ठीक नीचे आपको पावर लॉक अनलॉक बटन देखने को मिल जाता है। तो इस डिस्प्ले को अगर आप देखोगे तो 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाता है जो कि एक IPS LCD पैनल है। तो आई थिंक कि फुल HD प्लस देना चाहिए था क्योंकि आप IPS LCD पैनल ही दे रहे हो, लेकिन एज कम्पेयर दिस काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर डिस्प्ले है और इसमें जो कलर व्यूइंग एंगल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आते हैं। इस फोन का अगर आप कैमरा सेटअप देखोगे तो रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ये देखो स्क्वायर बॉक्स में, यहाँ पर फ्लैश लाइट है इसकी। तो 30 MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, 2 MP का डेप्थ एंड 2 MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, ये दो दो वाले सिर्फ दिखाने को। फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि देखो यहाँ पर प्लेस किया हुआ है नॉच डिस्प्ले में। तो ये कैमरा भी ठीक है, एक एवरेज कह सकते हो इससे। इस कैमरे से आप पोर्ट्रेट शॉट भी क्लिक कर सकते हो, जो पोर्ट्रेट शॉट भी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आते हैं, मतलब जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इस कैमरे से आप HDR पैनोरमा में फोटो क्लिक कर सकते हो और वीडियो भी इससे 1080p वाली वीडियो 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट एंड रियर दोनों साइड से आप क्लिक कर सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इस फोन में MediaTek का हीलियो G85 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट है, तो इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। मैंने इस प्रोसेसर के ऊपर PUBG जो पुराने 2.5 GB की थी वो HDR में स्ट्रीम कर देखी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती थी। ये फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर रन करता है और इसमें UI Realme UI 2.0 देखने को मिलती है। तो मुझे इस फोन में Realme UI काफ़ी स्टेबल देखने को मिली है, जैसे अभी मैं आपको बताऊँ तो ये देखो ब्लॉटवेयर ऐप्स इसमें काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन बहुत ज़्यादा ऐप्स इससे अनइंस्टॉल हो चुके हैं। ये देखो कुछ भी नहीं है इसमें, जो Realme के जो ऑफिशियल ऐप्स आते हैं वो भी अनइंस्टॉल हो चुके हैं इसमें से। और मेरे जो Realme 5 Pro में UI वो काफ़ी ज़्यादा ग्लिची UI है ऐसा कह सकते हैं, उसमें बहुत सारे ब्लॉटवेयर ऐप्स आए जो कि अनइंस्टॉल नहीं होते, तो वो होने चाहिए थे। तो दोनों का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग रहा है, डिफरेंट रहा है। ये देखो कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें जो फाइल है वो गूगल ओरिएंटेड ऐसा मुझे लगता है, जो ये देखो जो फाइल मैनेजर है वो गूगल के साथ इन्होंने सेट किया, वो अनइंस्टॉल नहीं होता, और अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो गूगल फाइल से ही आप चेंजेस कर सकते हो। और अगर आप देखोगे तो गूगल की बहुत सारी फाइल अनइंस्टॉल नहीं होती इसमें, जैसे देखो गूगल पे भी इसका अनइंस्टॉल नहीं हो सकता। इस फोन में आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। टाइप सी सपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया ये तो आपको देखने को मिल जाता है। ये फोन साथ ही रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, मतलब अगर आपको ये पास Type-C to Type-C से कागज केबल है तो इस फोन से आप दूसरा फोन चार्ज कर सकते हो आप, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको इसमें डाउन साइड में स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है,
तो इसमें आपको ऑडियो भी काफ़ी ज़्यादा लाउड एंड क्रिस्टल क्लियर सुनाई देता है। जैसे अभी मैं अगर कोई सॉन्ग प्ले करूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए, मैं अभी प्ले कर देता हूँ। और डिस्प्ले भी देखो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले, काफ़ी ज़्यादा कलर आ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन। अभी मैंने 1080p पर वीडियो प्ले की है, तो जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी इस पर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आना चाहिए, ये प्ले करता हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कनेक्टिविटी के आपको इसमें सभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक्सपेक्ट NFC, तो NFC कनेक्टिविटी इसमें नहीं है, बाकी सभी है। ब्लूटूथ 5.0 है, वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट, वाईफाई हॉटस्पॉट, वाईफाई के ड्यूअल बैंड आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, GPS है, FM रेडियो, एक मिनट चेक कर दो, तो FM रेडियो नहीं देखने को मिलता, तो देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, आजकल कोई FM रेडियो नहीं सुनता। अगर कोई आप में से फ़ैन है तो आप ये बात देख कर लेना कि FM रेडियो आपको इसमें नहीं देखने को मिलता। मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, मुझे नार्जो 20 लेना चाहिए था, क्योंकि नार्जो 20 सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैमरा अपग्रेडेड देखने को मिलता है, उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेट देखने को मिलता है, और इसमें सिर्फ 13 मेगापिक्सल का है, तो थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई, लेकिन मेरा बजट भी बहुत ही लिमिटेड था, इस वजह से मैंने उसके ऊपर अपग्रेड नहीं। तो अगर आप 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हो, तो आप इससे अच्छा नार्जो 20 ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है वो। फिंगरप्रिंट सेंसर अभी आपने जैसे देखा कि रियर साइड में है इसमें, ये देखो, तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी ज़्यादा क्विक है, अनलॉक तो काफ़ी ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्सिव फिंगरप्रिंट सेंसर। रैम आपको इसमें LPDDR4X टाइप का देखने को मिलता है, और स्टोरेज आपको इसमें eMMC 5.1 देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि UFS देना चाहिए था, एटलीस्ट UFS 2.1 भी देते तब भी चलता था, क्योंकि प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसमें आपको मिलता है बहुत सारे फ़ोन में UFS 2.1। तो बस सब कुछ तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। ये फ़ोन मैंने फ्लिपकार्ट से 12,000 में परचेस किया है, मतलब 11,999 रुपीज़ में 1 रुपये मैंने बचा लिया है। मुझे इसमें 4GB 128GB वाला वेरियंट मिला है, तो जैसे मेरी रिक्वायरमेंट थी कि एक अच्छा प्रोसेसर एंड एक अच्छा स्टोरेज। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, ये सिर्फ अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू वाली वीडियो थी, इसमें मैंने आपको डिटेल में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। डिटेल में एक दो वीडियो आने वाली, एक तो गेमिंग टेस्ट की और दूसरी वीडियो आएगी वो ऑनेस्ट रिव्यू वाली वीडियो आएगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रख दो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप अप द बूम। ये बूम करने से अच्छा ये बहुत अच्छा है ना।